तो आज की हमारी क्लास में डेटा मेन्यू बार में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन। अब देखिए, अब जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जो कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में चीजें होती थी, लेकिन हम लोग एक्सेल में उसको कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक्स लगा के, राइट। तो सबसे पहले हम कस्टम की बात करते हैं। डेटा वैलिडेशन में कस्टम मतलब कि यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें एक नंबर को दो बार ना टाइप कर सके, ओके। एक नंबर को दो बार टाइप ना कर सके। सुरिंदर जी, गुड इवनिंग सर, रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, रिकॉर्ड कर लीजिए। तो कैसे करें? तो यहां हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और लिस्ट पे जाते हैं, लिस्ट में वापस कस्टम पे जाते हैं और यहां पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता है और इस पर्टिकुलर कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं और इसका बोलते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड जो है लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, हमने यहाँ पे दिया और फिर इसको ओके कर दिया। फिर इसको हम कॉपी करके जितना एरिया पे है पे अपने डेटा टाइप करेंगे उतने एरिया पे पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपके साथ आएगा वैलिडेशन। अब मैं यहाँ पे वन टाइप करूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वन टाइप करूँ वापस ए एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ दो दिया तो एक्सेप्ट करेगा। जाहिर सी बात है हमने आपको बताया था कि हम इसमें डेटा वैलिडेशन में अपने हिसाब से मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि यहां पे देता हूं डुप्लीकेट और यहां पे मैं देता हूं कि दिस अकाउंट नंबर, कुछ ही मैसेज अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहां पे कोई भी अकाउंट नंबर तो मुझे यहां पे डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो जो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि एक और एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूंगा कि यहां पे मान लीजिए कि एफ एम्प्लॉय कोड है और यहां पे हमारा एडवांस सैलरी है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पे एम्प्लॉय कोड में डालता हूं और इसके आगे मैं यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ। अभी क्या है, देखिए पांच ए वन नंबर ऑलरेडी पांच हजार रुपये एडवांस उठा चुका है। अगर इसमें मैं मान लीजिए कि अगर मैं डालूँ तो 6,000 डालूँ तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बोलिए दिया था मैंने, तो कहने का मतलब है कि एक एम्प्लॉय की एक महीने की एडवांस की लिमिटेशन 10,000 रुपये है, तो 10,000 से ज्यादा कोई इसमें एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा एंट्री एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो कैसे करें इसके लिए? तो इसके लिए हम यहां डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहां पे हम लिस्ट यहां पे कस्टम पे आते हैं और फिर यहां पे सम इफ लगाते हैं कि सम इफ, सम इफ में हम देते हैं एरिया कि इसमें इसको और सम किसको करना है तो इसको करना है, इसका कंडीशंस जो है वो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं 10,000 होना चाहिए। इसी फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं और इस पे भी लगाते हैं। यहां पे फॉर्मूला अलग लगाने हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, रीजन ये है कि हम 10,000 तक देना चाहते हैं तो यहां पे हमारा लेस देन इक्वल टू 10,000 होगा,
फिर दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे तक ले जाते हैं पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे वैलिडेशन सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 दिया, एंट्री एक्सेप्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे 5000 दूंगा, एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वापस 1 दूंगा, एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने से देखा नहीं, हमने दोनों अलग अलग लगाए थे। इसमें हमने एम्प्लॉय कोड में हमने लेस देन 10,000 किया था, ताकि अगर 10,000 ऑलरेडी ले चुका है तो यहां पे एंट्री एम्प्लॉय कोड एक्सेप्ट ना हो। लेकिन यहां पे मैं 5000 एंट्री करूं, क्योंकि यहां पे हमने जो लगाया है वो लगाया है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसी चीजें कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको एंड और का इस्तेमाल इसमें करेंगे, वो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह आप यहां भी मल्टीपल फॉर्मूला अपने हिसाब से लगा सकते हैं कस्टम में जाके, क्लियर है सर, कोई डाउट। अच्छा, हमने आपको बताया था लिस्ट, हमने बताया था, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ नेम का लिस्ट दे दिया, तो इस नेम को यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने कर दिया था डेटा वैलिडेशन में गया और हमने यहाँ पे कर दिया था लिस्ट, जैसे वीवीए में कॉम्बो बॉक्स होता है सेम उसी तरह से। सुरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो यहां पे लॉकडाउन आ गया, अब मुझे इसका अपोजिट करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह का लिस्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि इस जो एंट्री यहां दी गई है वो एंट्री मैं बी कॉलम में कर ही ना पाऊं, इसके अलावा सारे एंट्री कर लूं, ठीक है। तो यहां पे भी हम डेटा रिलेशन में कस्टम पे जाएंगे, लिस्ट में नहीं, इसमें कस्टम में, और यहां पे मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ बी लुकअप का फॉर्मूला है, मैथ का फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एरर देते हैं। तो हमने बोला कि पूरे कॉलम में इसको चेक करेगा, अगर उसका रिजल्ट लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो मैंने एक मिनट यहां पे इक्वल रिजल्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, माफ कीजिएगा, इसका रिजल्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू पे वर्क करता है, ट्रू होगा तो एक्सेप्ट करेगा, फॉल होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपोजिट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। फिर इसको कॉपी किया और जहां तक एरिया है वहां तक इसको हमने पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने कर दिया डेटा वैलिडेशन एंड ओके। अब यहां पे मैं एंट्री करूंगा एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे मैं यहां पे पूजा डाला, क्लियर है। अब लिस्ट की बात हो रही है तो मुझे यहां पे डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स चाहिए, जैसे कि मेरे पास सिटी है तो सिटी में जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है और मान लीजिए कि नोएडा है, ओके, तो दिल्ली का एरिया है साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, ओके, और नोएडा का सेक्टर्स है मान लीजिए, सेक्टर्स दिए गए, अब मैं यहां पे सिटी सेलेक्ट करना चाहता हूं और यहां एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो सिटी में हमने सिंपल डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में गया और हमने सेलेक्ट कर लिया ये नोएडा और दिल्ली, ओके, यहां आ गए। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो यहां पे दिल्ली का पूरा रेट आना चाहिए और नोएडा सेलेक्ट किया तो नोएडा का पूरा आना चाहिए, हाउ कैन। तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दिल्ली के एरिया के गया और दिल्ली के एरिया का नाम दे दिया यहां पे दिल्ली,
और यहां हमने इसका नाम दे दिया जो फाइल नेम नोएडा, नाम सेम होना चाहिए जो यहां है, ध्यान रखिएगा थोड़ी मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां पे डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहां लिस्ट में मैं यहां पे इनडायरेक्ट को लिया और इसको दे दिया। अब इनडायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इनडायरेक्ट ना करूं सिर्फ F2 कर दूं तो क्या होगा कि F2 दिल्ली तो सिर्फ दिल्ली का शो, दिल्ली शो करेगा, मतलब कि दिल्ली का एरिया शो नहीं करेगा। अब इनडायरेक्ट क्या करेगा, सिस्टम को बताएगा कि जो F2 में दिल्ली लिखा हुआ है असल में वो दिल्ली यहां डिफाइन नेम में जो नेम है वो है डिफाइन नेम है, और ये डिफाइन नेम इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इन शॉर्ट आप देखेंगे कि यहां आपका दिल्ली का लिस्ट आ गया, अगर मैं यहां पे नोएडा किया तो नोएडा का लिस्ट आ गया। क्लियर है सर? सिंह जी, वीर सिंह जी, सुरेंद्र जी, कोई दिक्कत है सुरेंद्र जी, कोई डाउट इसमें? अब इसमें दिक्कत ये होता है कि हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा डेटा हो, तो जैसे कि मैं यहां पे नेम और यहां पे सिटी देना चाहता हूं, दो ही हो पाएगा, दो से ज्यादा नहीं हो पाता है इसमें, थोड़ा सा मैं बड़ा ज्यादा कर दिया, और यहां पे भी सिटी भी हमने पुणे कर देता हूं। अब मैं यहां पे नेम, ये हमारा नेम हो गया, और यहां पे आपका सिटी है, तो मैं नेम को यहां से उठाता हूं, कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करता हूं, और पेस्ट वैल्यू में मैं इसको यहां पे डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट। अब नेम पे मैं डेटा वैलिडेशन लगाता हूं, यहां से लिस्ट देता हूं और इस लिस्ट में मैं सेलेक्ट कर लेता हूं अपना नाम। अब यहां से नेम लिस्ट आ गया, अब यहां पे सिटी लिस्ट, तब आप बोलोगे तो सिटी के बेस से कर लेता, तो नहीं, मुझे वो सिटी चाहिए जो पूजा के अंदर है, मुझे वो सिटी चाहिए जिसे अमर के अंदर है, फिल्टर करके ये दिखना चाहिए, तो कैसे करें, क्योंकि तो इतने नाम कल के डेट में नाम बढ़ेंगे भी क्या, तो ऐसे इसका यूज हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से तो करते ही हैं, बट वीवीए के बजाय हम एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा सर पहले, तो होम में जाएंगे, पहले हम डेटा को यहां से शॉर्ट करेंगे, कस्टम शॉर्ट में आता हूं और यहां पे मैं माय डेटा हैज हेडर पे जाता हूं और नेम ऐड करता हूं यहां पे सिटी, इसलिए किया ताकि सारे नाम एक जगह पे आ जाए, जैसे मैं यहां पे अमर को सिलेक्ट कर लेता हूं, अमर को, तो अब यहां पे मैंने क्या किया, एक यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच फॉर्मूले को हमने बोला कि इस कॉलन में तुम अमर को ढूंढो कि अमर का पोजीशन क्या है, इसने अमर का पोजीशन बता दिया कि दूसरे नंबर रो है, फिर हमने काउंट इफ को बोला काउंट करने के लिए कि आखिर अमर है तो कितना बार है, तो अब मतलब हो गया कि दो से चलना है और आठ रो डेटा को उठाना है, समझे, तो यहां पे हमारा इस काम करेगा ऑफसेट, ऑफसेट को हमने सेलेक्ट किया और बोला कि दूसरे नंबर रो, लेकिन एक दूसरे नंबर वाले माइनस करना पड़ेगा, और नंबर कॉलम कितना है तो 8-1, दूसरे नंबर कॉलम से चलना है, कॉलम सेम होगा और कितने रो होने चाहिए तो 8 होने चाहिए, और हाइट कितना होना चाहिए तो 1 होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये क्या हो गया,
तो बेसिकली इस ऑफसेट फॉर्मूले को अगर मैं सम के अंदर में डाल देता हूँ, मान लीजिए सम के अंदर में डाल देता हूँ, जीरो दिख रहा है आपको, तो यहाँ आप इसको एवलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये ऑफसेट कर क्या रहा है। ऑफसेट क्या कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे आ गया ए, वहाँ अब देखिए ए वन वन कॉमा वन यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी ए वन से वन कॉमा जीरो, मतलब कि ए वन से एक रो नीचे आएगा जीरो और वन रो नीचे आएगा और कॉलम सेम रखेगा, और यहां से वो आठ रो को पकड़ेगा, आठ रो को पकड़ेगा और उसका एक एड्रेस बना देगा ए टू से ए नाइन, ए टू से ए नाइन। बीर सिंह जी ऑफसेट समझ में आया कि नहीं आया सर? तो इसके ऑफसेट के लास्ट में जो आपका हाइट और विड्थ होता है, अगर हाइट और विड्थ देते हैं तो वे डेटा को लुकअप नहीं करता है, ये जितना जहां पे डेटा जहां से मिलना डेटा शुरू होगा वहां से वो उतने रो एंड कॉलम का एक एड्रेस बना देगा आपको। बनाया बीर सिंह जी आपको सर की नहीं? कुंदन जी, बीर सिंह जी, सुरेंद्र जी, अब इसका सिंपल सी बात समझिए ना कि अगर मैंने यहाँ अमर सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ अमर का रेंज पता होना चाहिए कि अमर का डेटा किस रेंज से कहाँ तक है, हमें चाहिए। क्या चाहिए पता चल गया आपको? क्योंकि डेटा वैलिडेशन में हमें देना होगा रेंज कि हमारा, जैसे ये रेंज दिया ना हमने कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है सर? तो हमारा मैच फॉर्मूला बताता है कि अमर की स्टार्टिंग रो कितनी है और काउंट फॉर्मूला बताता है कि अमर कितना है, तो हमें ये पता चल रहा है कि दूसरे नंबर रो से आठ रो अमर का डेटा है। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया अमर के जगह पे, मान लीजिए मैंने देव सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ हो जाएगा कि 10 से लेके इसका भी 8 ही है। ठीक है, और ऑप्शन क्या करेगा कि ये क्या करेगा कि यहां से 10, 10 यहां है तो 10 नंबर रो पे जाएगा, 10 नंबर रो पे जाएगा और वहां से आठ कॉलम, आठ रो नीचे और एक कॉलम को पकड़ के उसका रेंज यहां आपको दे देगा। अब इस ऑफसेट फॉर्मूला को हम जो है, अब इस ऑफसेट फॉर्मूला को हम यहाँ डेटा वैलिडेशन में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ डेटा वैलिडेशन में इसको हम डाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे मर्ज करना होगा ना था, तो इसको मर्ज कर देता हूँ। फॉर्मूला बहुत बड़ा छोटा फॉर्मूला है ना, कई सारे सेल से लिंक है, तो G4 में मैच का रिजल्ट डाल दिया और काउंट इफ के हम ये 1 मिनट, और जो हाइट था उसमें हम काउंट इफ डाल देते हैं, ये रिजल्ट हमारा आपके सामने आ गया। अब ये ऑफसेट का वर्षम का नहीं लेता हूँ, सिर्फ ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट को भी कर लिया। अब एक प्रॉब्लम ये है कि डेटा वैलिडेशन जो है हमारा, डेटा वैलिडेशन जो हम करते हैं, ये डेटा वैलिडेशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला पेस्ट नहीं कर सकते, लिस्ट में इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला पेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं इसको ऐसा ओके करता हूँ तो रिजल्ट कुछ नहीं है, देव 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 आ रहा है, आ रहा है ना सर? ओके मैं देव देव आ रहा है, नहीं, सही है, सही है, सही है, सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें बस कॉलम जीरो के जगह पे वन करना है, क्योंकि ये देव नहीं, मुझे इसके सामने वाला वैल्यू चाहिए ना, अगली कॉलम जीरो कॉलम नहीं, अगली कॉलम, तो हमने यहाँ पे वन डाल दिया एंड ओके आ गया। जैसे मैं यहाँ देव का नीतू करूं तो यहाँ पे देखिए अब मुझे नीतू का आ गया, और मैं अमर करता हूँ यहाँ पे जी अमर, तो यहां दिख रहा है ना आपको सर? इस तरह से डिपेंडेंट कॉलम बस करते, लेकिन इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम इसमें यह है, सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपका जो डेटा हमने जो सर्च किया उसमें देखिए डुप्लीकेट को भी ले रहा है। दूसरा, अगर तीन कॉलम होगा चार कॉलम होगा तो फिर वर्क नहीं करेगा एग्जाम्पल, फिर हमें उसके लिए वीवी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है सर? तो
तो ये आप ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, इसको ट्राई कीजिएगा। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना सर, वो हम ये पढ़ा रहे हैं कि जो काम बीबीए से हो सकता है लेकिन हम एक्सेल से भी कुछ हद तक कर सकते हैं, क्योंकि बीबीए आगे आप सीखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम हमें एक्सेल से हो जाएगा बीबीए यूज ना कर, उसके कई सारे रीजन है जो कि आगे क्लासेस में आपको समझाएंगे। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ सबकी, बीर सिंह जी है, एक कुंदन, कुंदन जी आपकी आईडी क्या है? चंद्र जी को बोल रहा था आपको, यूज आप लोग कीजिए।